गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डॉक्टर एस के गुप्ता होम्योपैथी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय है कि किडनी स्टोन होने पर शरीर में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहला लक्षण जो है वह पेट दर्द का है। पेट दर्द लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है, नाभि से लेफ्ट में, नाभि से राइट में आपको यह दर्द होता है। चूँकि यह दर्द पीछे से आगे की साइड आता है, किडनी संख्या में दो होती हैं, इसीलिए लेफ्ट और राइट दर्द दोनों साइड भी हो सकता है यदि दोनों साइड स्टोन है। यदि यूरिटर में स्टोन है, लेफ्ट साइड में स्टोन है तो लेफ्ट यूरिटर में पेन होगा, और राइट साइड में यदि स्टोन है तो राइट यूरिटर में पेन होगा। यदि यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है तो बीच में नाभि के नीचे की साइड दर्द होता है। अब हमारा चर्चा ये है कि यदि आपको स्टोन है तो दूसरा लक्षण क्या है। दूसरा लक्षण ये है कि पेशाब में जलन होती है, पेशाब करते समय जलन हो सकती है, पेशाब के पहले जलन हो सकती है, पेशाब के बाद में जलन हो सकती है, पेशाब करते समय भी यूरिथ्रा में पेन हो सकता है। तीसरा लक्षण ये है कि आपको पेशाब करते समय ब्लड आ सकता है, जिसको हीमेच्यूरिया कहते हैं। कई लोगों में किडनी स्टोन होने पर हीमेच्यूरिया पाया जाता है। अगला लक्षण ये है कि आपको बुखार आ सकता है। यदि आपको रिकरेंट यूटीआई होता है, बार बार पेशाब यूरिथ्रा में इन्फेक्शन आता है, यदि कल्चर कराने पर, यूरिन का कल्चर यदि आप कराते हैं उसमें पश्चल आते हैं, तो आपको बुखार भी आ सकता है। अगला लक्षण ये है कि पेट साफ न होना, पेट में अधिक गैस बनना और उल्टी का मन होना, यह भी पथरी का लक्षण हो सकता है। यह इस तरह के लक्षण यदि आप में दिखते हैं तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, और आपको ये पता पड़ जाएगा कि आपको स्टोन है, और ये भी पता पड़ जाएगा कि कितना साइज़ का स्टोन आपको है। यदि आपको 10 mm से कम का स्टोन है तो आपको ऑपरेशन कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। होम्योपैथी की दवा से बहुत ही आसानी से आपका स्टोन निकल सकता है। अब समस्या ये आती है कि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हमने ऑपरेशन करा लिया है, इसके बाद भी स्टोन बार बार बनता है। तो हमारा सजेशन आपके लिए यही है कि आप पहले होम्योपैथी पद्धति का हमेशा ध्यान रखें, और हमेशा जब भी कभी स्टोन हो तो होम्योपैथी एक विकल्प के रूप में अवश्य सोचें। यदि आप ऑपरेशन करा लेते हैं, इसके बाद भी आपको पथरी बनती है, तो भी आप होम्योपैथी दवाई को नियमित लेकर इस पथरी को निकाल सकते हैं। क्योंकि बार बार यदि स्टोन बनता है तो आप बार बार ऑपरेशन तो करा नहीं सकते, बार बार ऑपरेशन कराने से किडनी में भी समस्याएं हो जाती हैं।